हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय फूड क्रश एंड वी आर बैक विद अर न्यू वीडियो। सो गाइज, एक बार फिर से हम आए करोल बाग के अंदर पास्ता वाली आंटी का पास्ता ट्राई करने भाई, क्योंकि बहुत अर्जेंट काम से मैं करोल बाग ही आ रखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार दोबारा से आंटी का पास्ता ट्राई करके देखते हैं भाई कुछ टेस्ट में इंप्रूवमेंट है या नहीं है, और बाकी देखते हैं आज इनका टेस्ट कैसा है। तो चलो फटाफट से आंटी से अपना पास्ता बनवाते हैं और उसको ट्राई करते हैं। सो गाइज, यहाँ से हमारा जो पास्ता है उसकी मेकिंग स्टार्ट हो गई है, और एज़ यूजुअल भाई बल्क में पास्ता बनेगा यहाँ पे। एक बार में बहुत ज़्यादा पास्ता बनाते हैं और ये लोग, और इनके सामने वाली शॉप है, और जो इसके सामने वाली शॉप भाई वो भी आंटी की है। मैंने पूछ लिया क्योंकि आंटी ने पास्ता बना रखा था, थोड़ा सा लेट हो गया था, 12 बजे शॉप लगाते हैं, तो मैं 12:30-1 बजे के आसपास पहुँचा। बट इन्होंने आंटी जो थी उन्होंने अपना पास्ता बना लेते हो, तो सामने वाली दुकान पर आप शूट कर सकते हो। सो गाइज, अभी वहीं पर शूट कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से मेकिंग होती है जैसे इन्होंने। सो गाइज, अभी इन्होंने इसके अंदर बॉयल्ड पास्ता ऐड करा, उसके बाद इन्होंने जो इसके अंदर डाला हुआ था ऑरिगेनो और ऊपर से इसके ऊपर टाटा नमक, बाकी अभी इसके अंदर अजीनोमाटो डाल रहे हैं जो भाई आप देख सकते हैं। सो गाइज, बाकी पिछली बार जो मैं एक्सपीरियंस था वो तो कुछ खास था नहीं, पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ठीक ठीक सा ही था, मतलब काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस रहा था। तो इस बार देखते हैं भाई कुछ बेटरमेंट है टेस्ट में या नहीं है। बाकी थोड़ा मसाला मैंने ऐड करा, मैगी मसाला ही है, पिछली बार तो बहुत सारा मैगी मसाला डालते थे इसलिए थोड़ा सा तीखा भी ज़्यादा हो गया था वो। बाकी इस बार देखते हैं टेस्ट कैसा रहता है। बाकी मैं सोच रहा था आंटी से बनवाऊंगा, पिछली बार किसी और बहन ने बनाया था, तो बट कोई नहीं, चलो इसी की मेकिंग देख लेते हैं, बाकी हम ले आंटी वाले से लेंगे। तो मेकिंग भाई हमारी भाई मोमोज वाली चटनी है जो भाई एकदम तीखी होती है, वाली चटनी इसके अंदर डाली जा रही है भाई बल्क में, ये देख सकते हो आप। और कहते भैया ने बहुत सारे चटनी इसके अंदर डाल दिए। बाकी यार चैनल पर थोड़ा प्यार दिखाओ, वीडियोस के व्यूज़ इंप्रूव कराओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम हो गए, 10-15 हज़ार भी आना थोड़ा मुश्किल से हो गया आजकल व्यूज़ वीडियो के ऊपर। बाकी गाइस, जो इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट है इसके कैप्सिकम वो डालना शुरू हो गई है भाई। एक बात बताता हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो ना तो आपके पास्ता के अंदर आपको मिलेगी कैप्सिकम। मैं तो अभी तक लकी हुआ नहीं, देखते हैं इस बार मैं लकी बनता हूँ या नहीं बनता, क्योंकि जो कैप्सिकम है इतने सारे पास्ता के अंदर, लगभग मेरे ख्याल से तो भाई 5-6 किलो पास्ता बनाते हैं एक बारी में, तो उसके अंदर ये भाई सिर्फ 4 से 5 कैप्सिकम डालेंगे। और गाइस, कैप्सिकम मेरे ख्याल से भाई बहुत कम है इतने सारे पास्ता के लिए, 4-5 कैप्सिकम भाई क्या ही है भाई। बाकी स्ट्रीट फूड है तो उसके हिसाब से इतना मिलेगा, बाकी यार क्या ही बोल सकते हैं। और तो इसका प्राइस है गाइस वो अपडेट हो गया, पहले 40 रुपीज़ था हाफ प्लेट का प्राइस, अब 50 रुपये कर दिया है। बाकी गाइस, लोकेशन आप सबको पता ही है, करोल बाग गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के नीचे उतरते ही आपको आंटी का पास्ता मिल जाएगा, कूल पॉइंट के बिल्कुल सामने लगाती हैं ये, और आमने सामने दोनों इन्हीं की दुकान है, तब किसी से भी ट्राई कर सकते हो। मैंने पिछली बार आंटी से ट्राई करा था, मेकिंग में आपको इसके दिखा रहा हूँ, बट मैं ट्राई आंटी वाला ही करने वाला हूँ क्योंकि वो आंटी ने बनाया था भाई। टेस्ट तो आज हमें वही करने आए थे बट मेकिंग नहीं ले पाए, उसके भी थोड़ा सा लेट हो गए। बाकी यार ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, बाकी इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं अपना भाई, देखते हैं आगे क्या क्या ऐड होने वाला है इसके अंदर। गाइस, जैसे अभी अच्छे से मिक्स किया जाएगा ताकि जो सारे मसाले हैं मिक्स हो जाएं इवनली, क्योंकि भाई क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी सारी क्वांटिटी को अगर आप बहुत देर तक मिक्स नहीं करोगे तो मसाले वो मिक्स नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा रॉ टेस्ट आएगा और जो तीखापन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तो इसे। सो गाइस, बाकी ऑलमोस्ट मिक्स हो ही गए हैं, और भाई देख सकते हो पूरी कढ़ाई भरी पड़ी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, और मतलब प्राइस भी थोड़ा सा ओवर प्राइस ही है। बाकी तो ये भाई इनका बन के रेडी हो गया, चलो आंटी वाले उस पर चलते हैं स्टॉल पर और वहाँ से अपना पास्ता लेते हैं, उसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो गाइज, ये मैंने अपना पास्ता ले लिया है और ये आंटी के स्टॉल पे बना हुआ है, ये आप देख सकते हो भाई, आंटी देनी है पास्ता ये मेरे को क्योंकि आंटी ने बनाया था, मेन तो मैं यही ट्राई करना है। तो चलो यार इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। सो गाइज, ये मेरा पास्ता बन के रेडी हो गया भाई, आप देख सकते हो, और इसका रेट भी उन्होंने बढ़ा दिया है, पहले 40 रुपये था, अब इसका रेट जो है 50 रुपये हो गया है भाई। पिछली बार की तरह हार्ड टू फाइंड शिमला मिर्च थी उन्होंने, इतने ज़्यादा पास्ता ने देखा होगा, अपने 4 शिमला मिर्च डाली। बाकी यार मैं आज अकेले शूट पे आ रखा हूँ तो भाई मेरे को अकेले शूट करना पड़ रहा है, इसलिए मैं इंस्टा वाले फॉर्मेट में शूट कर रहा हूँ, वरना आपको पता ही है मैं तो मतलब नॉर्मल उसी में शूट करता हूँ यूट्यूब वाले में, बट यार सीधे जा नहीं पाया था और मेरे को अर्जेंटली आना था काम से यहाँ पर, तो मैं इसलिए मैं इंस्टा फॉर्मेट में शूट करने लग गया, और करोल बाग के आसपास तो मैं शूट कर लेते हैं यहाँ पे आए हैं। तो फिर एक बार ट्राई करके देखते हैं भाई पास्ता की पहले से बेटर हुआ है या कुछ नहीं हुआ भाई। बाकी रेट तो बढ़ा दिया और सामने वाली दुकान भी ले ली है, पहले वो मेरे ख्याल से किसी और की थी, बट अब आपने देखा होगा भाई वीडियो में भी वो किसी और दुकान नहीं है, वो आंटी के अंदर ही आ गई है भाई, आंटी ने इंटर्न्स रख ली है भाई, देख रहे हो इसके अंदर कितनी तरक्की हो गई है। बाकी यार भीड़ तो पहले से बहुत कम थी, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा, तो बस वो टेस्ट करके देखते हैं भाई टेस्ट पहले से बेटर है या नहीं है, बाकी आप एक बार ट्राई करते हैं। पिछली बार की तरह भाई ऊपर से माया वगैरह डाल रखी है, ऑलमोस्ट सेम सा ही है, बाकी इसके अंदर 1-2 पीस कैप्सिकम भी मिले हैं मेरे को, इस बार थोड़ा लकी हो गया मैं, तो चलो मैंने अपनी बाइट रेडी कर ली, एक बार इसे टेस्ट करके देखते हैं भाई। ये मेरी बाइट रेडी है, इसके बार बाइट लेकर देखते हैं टेस्ट कैसा है भाई, पहले से बेटर हुआ या नहीं हुआ। तो यार अभी एक बाइट ली इसकी, भाई टेस्ट तो पहले से बेटर है, बाकी थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी कर दिया इन्होंने, पहले थोड़ा कम स्पाइसी था पिछले बार के हिसाब से, थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी लगा मेरे को इस बार, बट बाकी यार 50 रुपये के हिसाब से थोड़ा सा कॉस्टली लगा मेरे को, बट ठीक है स्ट्रीट फूड के हिसाब से टेस्ट पहले से बेटर है, मेरे को लगा था कि पुरानी जैसा ना हो, बट हाँ भाई पहले से इंप्रूवमेंट है टेस्ट के अंदर। तो एक और बार ट्राई करते हैं भाई इसकी बाइट,
बाकी ऊपर से सॉसेज वगैरह डाल रखी है, हल्का स्पाइसी कर दिया है आंटी ने। भाई सामने वाले भाई का तो गैस ही खराब हो गया था, वो कहता आंटी से जाकर ले लो। भाई मैं लकी हूँ, मेरे में शिमला मिर्च है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। शिमला मिर्च सर ठीक है, बेटर है पहले से। बाकी 50 रुपये का उन्होंने रेट बढ़ा दिया, ये कम रेट था। बाकी यार सो गाइस अब बारी हमारा यहाँ का फलूदा ट्राई करने की, क्योंकि भाई आंटी का पास्ता बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था मेरे को, थोड़ा सा स्पाइसी बन गया था। बट भाई तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि फलूदा ट्राई करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जो फलूदा भाई का प्राइस है 40 रुपीज़, आप मेरे सामने देख सकते हैं। भाई छोटा सा लड़का खड़ा है, तो भाई इनको भी सपोर्ट करना है यहाँ पे आके। अगर आप करोल बाग आओ तो भाई इनका फलूदा जरूर ट्राई करना। बाकी आपको मेकिंग दिखा देता हूँ। सो गाइस ये देखो हमारा फलूदा बनना स्टार्ट हो गया, जो बिल्कुल बेसिक मेकिंग होती है, बिल्कुल सेम वैसी ही मेकिंग है इसकी भी। ये भैया ने गिलास के अंदर फलूदा ऐड कर दिया, गिलास का आप साइज़ देख सकते हो भाई, 40 रुपये के हिसाब से ठीक ठाक है। मतलब भाई एक बंद निकले तो देना 40 रुपीज़ में। बाकी अभी टेस्ट करके देखेंगे इसका टेस्ट कैसा है, उसके हिसाब से पता लग जाएगा वर्थ इट है नहीं 40 रुपये में। बाकी गाइस इसे बड़ा गिलास भी मिलता है यहाँ पे, वो भी ट्राई कर सकते हो अगर आप इसको ट्राई करें यहाँ पे आके तो। और गाइस जो फलूदा के बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं, तो हमारा फलूदा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और इसे चलते हैं पर भाई ट्राई करते हैं, क्योंकि गर्मी तो यार बहुत ज़्यादा हो ही गई है। बाकी यार मैं अकेला शूट कर रहा हूँ, फ्रंट कैमरे शूट करने में लगा पड़ा हूँ। बाकी मैं बहुत थक भी गया भाई, अकेले शूट करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे हाथ में भाई पूरा हेलमेट है और मैंने अपना बैग टांग रखा है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। बाकी गाइस रुआफ से भी ऐड कर दिया और इसी के साथ ही पूरा कंप्लीट हो गया। चलो इसे अब टेस्ट करके देखते हैं। यार पास्ता तो मैंने खा लिया, बाकी पास्ता बिल्कुल मतलब ठीक सही था, पिछली बार की तरह तो नहीं था, पिछली बार से तो बहुत ज़्यादा बेटर लगा मेरे को। तो अभी भाई मैंने अपने लिए फलूदा लिया है और इसके बाद टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको पता है पास्ता खाने के बाद तो इतनी मिर्च लगती थी, कुछ ज़्यादा स्पाइस डालती थी। पर फलूदा खाते हैं और उसका रिव्यू करके देखते हैं। बाकी रेट से ज़्यादा महंगा कर दिया आंटी ने पास्ता, बाकी तो अगर आपकी मर्जी भाई ट्राई कर सकते हो, मेरे को तो बेटर लगा पहले से। और बाकी सॉरी भाई इस फॉर्मेट में शूट करना पड़ रहा है मेरे को, भाई मजबूरी है मेरी भी, मेरे को भी कोई मज़ा नहीं आ रहा इसमें शूट करने में, क्योंकि भाई ये देखो मेरा हाथ वाथ सब पूरा भरा पड़ा है। मैं बिल्कुल परेशान हो रहा हूँ कि भाई इतना सारा सामान मैं कैसे संभालूँ, मेरे को शूट भी करना है, रिव्यू कैसे करूँ। मैं कोई जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं मतलब ऐसा सामान रखूँ उसका अपना वीडियो शूट करना स्टार्ट करूँ। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी के ऊपर 2 मिनट से रखते हैं किसी की और फटाफट शूट करते हैं, निकलते हैं फिर यहाँ से फटाफट से करते हैं। फलूदा की बाइक लेते हैं, भाई बड़ी मुश्किल से मैंने एंगल एडजस्ट कर रखा भाई, स्ट्रगल ही जरिए अकेले शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। भाई फलूदा खा के बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। बाकी भाई मज़ा आ गया थोड़ा सा, मतलब पास्ता खा के पहली बार ठीक लगा आंटी का, दूसरी बार ट्राई करा मैंने। भाई जो फलूदा का प्राइस था वो तो 40 रुपये, तो बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई दी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए भाई ओके बाय।